तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एड्स एक्सचेंज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर रजिस्टर कैसे करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो बिना देखे रजिस्टर करते हो तो आप बहुत कुछ गलती कर दोगे और फ्रेंड्स वहाँ पर आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके बाद ही आप इसके अंदर रजिस्टर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जो व्हाट्सएप पर लिंक भेजी गई है रजिस्टर लिंक, तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके क्रोम ब्राउजर में लिंक खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है नेम का, तो आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना सही नाम डालना है, कोई गलत नाम नहीं डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना नाम डालने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उसी वही एक मोबाइल नंबर से आप सिर्फ एक बार ही रजिस्टर कर पाओगे, आप दोबारा यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मोबाइल नंबर डालते समय यहाँ पर आपको अपना 91+ में नहीं लिखना है, जो कि आपका कंट्री कोड होता है, आपको कंट्री कोड नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर लिखना है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ। जैसे आप मोबाइल नंबर ऐड कर देते हो, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ईमेल का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपका ईमेल होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर डाल देना है। और फ्रेंड्स, आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे साइड पे आपको जो भी लिंक प्रोवाइड कराएगा, यानी कि फ्रेंड्स आपको जो लिंक सेंड करेगा तो यहाँ पर आपको उसका यूजर आईडी और यहाँ पर उसका नाम दिख जाएगा, तो आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पर जो आई हैव रेड एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड एपीके नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करना है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन इस पर आपको ऐप डाउनलोड इसका नहीं करना है। इसे आपको सिंपली यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नेम सब कुछ आ जाता है, तो आपको सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देख सकते हो आपकी यूजर आईडी आ चुकी है, यहाँ पर आपको जो सेकंड पासवर्ड मिलता है ये लॉगिन पासवर्ड है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो TPIN का ऑप्शन दिख रहा है ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों पासवर्ड याद रखना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, बैक आ जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको पूरा बैक आ जाना है। आपको पूरा बैक आ जाने के बाद इसके बाद में फ्रेंड्स आपको अपना सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली न्यू टैब कर देना है। फ्रेंड्स, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यहाँ पर एड्स एक्सचेंज लॉगिन सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप एड्स एक्सचेंज लॉगिन सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट नंबर का वेबसाइट आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली अपना यूजर नेम डाल देना है, यानी कि फ्रेंड्स यूजर नेम आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है, बल्कि फ्रेंड्स आपको जो यूजर आईडी मिला है या एड्स एक्सचेंज की तरफ से, आपको यहाँ पर वो अपनी यूजर आईडी डाल देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ, आपको इन सभी स्टेप को फॉलो जरूर करना है, तभी आप अपना इसको यूज कर पाओगे एड्स एक्सचेंज कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तभी आप काम कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली अपना यूजर आईडी डाल देना है, जो कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ पर आपका यूजर आईडी लिखा है, तो सिंपली हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा यूजर आईडी है AD42266648, तो ये हमारा यूजर आईडी है। और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा HC7A11, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इन दोनों चीज़ को वहाँ पर टाइप कर देना है, तो सिंपली हम अपना यूजर आईडी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना यूजर आईडी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जिस तरीके से वहाँ पर स्मॉल कैपिटल में लिखा है, आपको सिंपली उसी तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी यूजर आईडी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपना यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको योर पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देना है, जो कि फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट लिया है वहीं पर लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से फ्रेंड्स कहाँ पर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड मिलता है, तो आपको सिंपली यही पासवर्ड वहाँ पर टाइप कर देना है, तो जैसा कि हम कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद नीचे साइड पे एक कैप्चा मिलेगा, तो सिंपली आपको इस कैप्चा को फिलअप कर देना है, तो यहाँ पर आपको एंटर कैप्चा की जगह क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा लिखा है स्मॉल कैप्चा में, आपको उसी तरीके से यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ। तो आपको अपना सिंपली कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखिए, आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, आपको ऊपर साइड पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, जैसे आप फिर से आपको एक बार ऐड के ऊपर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स जैसे आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका वेबसाइट आपके मोबाइल पर बाहर आ जाएगा, और फ्रेंड्स बार बार आपको क्रोम ब्राउजर पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिंपली पूरा बैक आ जाना है, और बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा वेबसाइट बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको आप जब भी इसको आपको लॉगिन करना होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका वेबसाइट खुल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऊपर साइड से सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है,
और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है एडिट प्रोफाइल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल के बारे में पूरा बता सकते हो, अपना एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट बैंकिंग डिटेल्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना सिंपली पूरा बैंक का डिटेल डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है केवाईसी डिटेल्स का, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर सब कुछ डाल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्लिक करके आपका जो लॉगिन पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर आप यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो यहाँ पर अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको याद रखना है पासवर्ड में आपके 6 लेटर होने चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश दोनों लेटर होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अपना आप जो TIPIN पासवर्ड लिखा हुआ था, आपको जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वही आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि आप एड्स एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर कैसे करोगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको एड्स एक्सचेंज की जितने भी उसके अंदर फ्यूचर है मैं आपको सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।